हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 5th रीजनल मीटिंग रवांडा के किगाली शहर में ऑर्गेनाइज करवाया गया। अफ्रीका के 3 कंट्रीज युगांडा, कोमोरोस और माली के द्वारा टोटल 9 सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेशन को प्रोजेक्ट किया गया। इस मीटिंग के दौरान एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी बनाया जाए, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया गया। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इस रिपोर्ट के कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर अफ्रीका में क्या पोटेंशियल है, इंडिया के लिए अफ्रीका किस प्रकार से महत्व रखता है और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया था। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्री इंक्लूडेड हैं। तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नाइदर और नॉट टू। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मेन फोकस है वैसेज कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं, उस कंट्रीज को सोलर एनर्जी के ग्रिड से जोड़ना, क्योंकि जो हमारा सन है वो डायरेक्टली, इसका जो सन रेज है वो टोरिड रीजन में शॉर्ट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाले एरिया को टोरिड रीजन कहते हैं। और प्रेजेंटली बात करें तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 कंट्रीज है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू जो एक ग्रिड में जोड़ने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे ग्लोब के ईस्टर्न पार्ट्स में डे होता है तो वेस्ट में हम लोग को नाइट देखने को मिलता है, और यदि ईस्टर्न पार्ट में नाइट होता है तो इधर डे देखने को मिलता है। तो यदि जो सोलर प्लेट है वो एक ही ग्रिड से जुड़े हुए रहेंगे तो वैसे रीजन जहाँ पे नाइट है वहाँ पे सोलर एनर्जी सप्लाई हो सकेगा, और इससे जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हम लोग रीच कर पाएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से की हाइलाइट्स देखने को मिले हैं। इस रिपोर्ट में स्ट्रेटेजिक अप्रोच को आउटलाइन किया गया है टू इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली टैकल द ग्लोबल एनर्जी एक्सेस चैलेंज बाय यूजिंग सोलर पावर सॉल्यूशंस। इसमें कई सारे केस स्टडीज किए गए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा गया है और इनोवेटिव पॉलिसीज को अपनाया गया है ताकि सोलर मिनी ग्रिड्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ जा सके। इस रिपोर्ट में सोलर एनर्जी को लेकर अफ्रीका के सिग्निफिकेंस को बताया गया है, स्पेशली अफ्रीका के सब सहारन रीजन और वहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर स्ट्रेटेजी बनाया गया है जो कि मिनी सोलर ग्रिड्स को फोकस किए हुए है, और रिन्यूएबल एनर्जी को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए सॉल्यूशंस दिया गया है। इस अप्रोच के माध्यम से अफ्रीका में जो डाइवर्स एनर्जी एक्सेस को लेकर चैलेंजेस देखने को मिलता है उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो ये सोलर मिनी ग्रिड्स को प्रमोट करके लोकल इनोवेशन और बिजनेस मॉडल को इनकरेज किया जा सकता है ताकि वहाँ पे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। यदि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम का बात करें तो जिस जगह पे एनर्जी का कंजप्शन होता है वहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को लोकेट किया जाता है ताकि इससे रिन्यूएबल एनर्जी का ऑप्टिमल यूज किया जा सके। इससे जो हमारे फॉसिल फ्यूल का यूज़ है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा और इको एफिशिएंसी इन्हेंस होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के कौन कौन से सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है, सोलर प्रोजेक्ट मॉडल्स को क्रिएट करने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है जो अफ्रीकन कंट्रीज में अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं उनके वेलबींग को इन्हेंस करना, और इस तरह का सोलर प्रोजेक्ट से सिर्फ एनर्जी ही प्रोडक्शन नहीं होगा बल्कि देशों के बीच ग्लोबल कोऑपरेशन और ज़्यादा एडवांस होगा। सेकेंड है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करके सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ा जा सकता है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको, जो अभी इंडिया में G20 का मीटिंग चल रहा है उसमें इंडिया के द्वारा सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा ताकि यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस को अचीव कर सके और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की ओर वर्ल्ड मूव कर सके। थर्ड है, इसमें सोलर एनर्जी को लेकर अफोर्डेबल क्रेडिट और टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं मिल पाता है तो उसको टैकल करना।
तो इस प्रोजेक्ट का जो सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है वो सोलर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को पोटेंशियल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ताकि अक्रॉस द मेंबर नेशन सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके थ्रू जो एफोर्डेबल फंडिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज का लैकनेस देखने को मिलता है उसको मेंबर कंट्रीज के साथ मिल करके एड्रेस करना चाहिए, और इसमें स्पेशली फोकस होना चाहिए लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर, ताकि वहाँ पे अफोर्डेबल क्रेडिट और टेक्निकल एक्सपर्टीज के हेल्प से सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को ग्रैब कर सके। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में अफ्रीका का क्या पोटेंशियल है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और इनोवेशन को ग्लोबल स्केल पे बढ़ाने को लेकर अफ्रीका के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्री टॉरिड रीजन में लाई करते हैं, जहाँ पर हम लोग को सालों भर सोलर एनर्जी देखने को मिलता है। डिस्पाइट फेसिंग वेरियस ऑब्स्टिकल्स, जो कॉन्टिनेंट है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोलर कैपेसिटी, और सोलर कैपेसिटी के साथ साथ विंड रिसोर्स, जियोथर्मल एरियाज, हाइड्रो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोस्पेक्ट्स इन कंट्रीज में देखे जा सकते हैं। फर्दर मोर अफ्रीका के पास वर्ल्ड का 40% क्रूशियल मिनरल रिजर्व्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्रूशियल मिनरल रिजर्व्स अफ्रीका में देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकता है। हाउएवर अभी नीड है कि गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कोलोबरेशन करके ये जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है उसको पूरे कॉन्टिनेंट में बढ़ावा मिल सके। चलिए अब हम लोग समझते हैं अफ्रीका के लिए इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की। तो अफ्रीका में 6 से भी ज़्यादा कंट्री पिछले 10 सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बने हुए हैं, जैसे कि रवांडा, सेनेगल, तंजानिया एट्सेट्रा, जो कि पूरे दुनिया का एक ग्रोथ पोल बना हुआ है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन का बात करें तो 1 बिलियन का पॉपुलेशन देखने को मिलता है, और कंबाइंड जीडीपी का बात करें तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जीडीपी है। तो अफ्रीका के पास ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ताकि इंडिया और अफ्रीका दोनों इन सारे वे से बेनिफिट हो सके। सेकेंड बात करें इंडिया के लिए अफ्रीका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। खास करके कमोडिटीज़ का बात करें तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लेदर, गोल्ड और अदर मेटल्स, जो कि इन सब चीज़ों का लैकनेस इंडिया में देखने को मिलता है। तो हम लोग अफ्रीका से ये सब कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। अफ्रीका में नामीबिया और नाइजर का बात करें तो यूरेनियम के मामले में टॉप 10 ग्लोबल प्रोड्यूसर के देशों में दोनों देशों की गिनती होती है। वहीं साउथ अफ्रीका का बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लेटेनियम और क्रोमियम का, और इंडिया अपने ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई कर सकता है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। तो इंडिया के एनर्जी मैट्रिक्स में अफ्रीका सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। थर्ड बात करते हैं इंडियन ओशन के जियोपॉलिटिक्स के। तो ईस्टर्न अफ्रीकन नेशन के जियोग्राफिकल लोकेशन का बात करें, जो इंडियन ओशियन में नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, और इंडियन ओशियन के सिक्योरिटी कंसर्न का बात करें तो इसमें तो ये सारे कलेक्टिवली पोजीशंस इस इंडियन ओशियन रीजन के रीजन में अफ्रीका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड का बात करें, सिक्योरिटी का बात करें या फिर डिप्लोमेसी की, तो इसके लिए भी ईस्टर्न अफ्रीकन नेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन नेशन का बात करें तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सब स्ट्रेटेजिक पोजीशन में देखने को मिलते हैं, जो कि अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारे लोकेशंस इंडिया को इम्पोर्टेंट सी लाइन रोड्स ट्रेड के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन ओशियन रीजन में। तो ये जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है वो मेरीटाइम सिक्योरिटी और कॉमर्स के लिए इंडिया के लिए क्रूशियल प्लेयर्स हैं। फोर्थ बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। तो इंडिया के द्वारा जितने अफ्रीकन नेशन हैं जो कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट है, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिससे कि इंडिया और अफ्रीका के बीच डिफेंस इंगेजमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंडर, जिसको कि 2009 में इनिशिएट किया गया था, तो इंडिया के द्वारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को बिछाया जा रहा है ताकि सैटेलाइट से कनेक्टिविटी मिल सके।
और इसके साथ ही साथ टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंच सके, इसके लिए भी इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका में ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती को भी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस था जो अफ्रीकन स्टूडेंट है उसको टेली एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, और ई आरोग्य भारती के थ्रू हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए मेडिकल एजुकेशन कंटिन्यू हो सके। चलिए अब हम लोग समझते हैं दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन को और बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि अफ्रीका में सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। इस रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया को हेल्प करना चाहिए। इंडिया को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड भी करवाना चाहिए ताकि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप बढ़ावा दिया जा सके, और अफ्रीकन कंट्रीज में इस एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो स्पेसिफिक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसको एड्रेस करना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया को अफ्रीका के रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को का एडवांसमेंट लेना चाहिए, उसका एडवांटेज लेना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। इंडिया को अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि इंडिया के प्रॉफिट के साथ साथ वहाँ के लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया जा सके। सेकेंड है, इंडियन कंपनीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी के टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के पास लीवरेज है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को अफ्रीका में बढ़ावा देने के लिए, जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए विन विन पोजीशन होगा। दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी के पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। इंडिया को एनर्जी कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट में और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि स्टेबल और सस्टेनेबल एनर्जी का सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेकंड गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 195 कंट्रीज के आसपास हैं, तो इसमें 121 मेंबर ही ISA के मेंबर हैं। और फर्स्ट सही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।